अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप खूबसूरत सबकामोज वीडियोस और खूबसूरत सुनहरे अकवाल सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मौजज़ा है, जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई वो भी तो एक मौजज़ा है, और पता है तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह मौजज़े की सूरत में सुनेगा और तुम हैरान रह जाओगे। वो देर कर रहा है तो तुम सब्र भी कर सकते हो ना, वो फौरन नहीं सुन रहा तो तुम इंतज़ार भी तो कर सकते हो ना। अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है तो तुम मायूस होने की बजाय दुआ का वक्त भी तो बढ़ा सकते हो ना। फिर देखो कहाँ से वो वसीले बनाता है, फिर देखो कितनी अनकही इल्तिजाओं पे कुन फरमाता है, फिर देखो वो तमाम उम्र की बेतहाशा और बेदर्द दुखों को समेट कर तुम्हें फिर से जिंदा कर देता है, फिर देखो सब वो जो किसी को नज़र नहीं आता, फिर देखो कबूलियत के लम्हे का आ जाना और कहानियों का मुकम्मल हो जाना। अल्लाह पाक हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाने में कादिर है, वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता, वो दुआ की शिद्दत से वाकिफ है, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। या तो वो चीज़ जो हम मांग रहे होते हैं मिल जाती है, या उसके बदले बेहतरीन चीज़ से नवाज दिया जाता है, या आने वाली मुसीबत टल जाया करती है, या वो दुआ आहरत के लिए रख दी जाती है। लेकिन दुआ रद्द नहीं होती, वो हमारी टूटी फूटी दुआओं से भी खूब वाकिफ है, बस मांगना वो हमसे सब्र है। वो हर वो सिसकते लम्हे से वाकिफ है, जब कैफियत बताने को लब से कुछ बोला ना जाए, उससे छुपी कोई शय नहीं है, तो बस कामिल यकीन रखो वो जल्द ही वक्त बदलेगा। तुम दुआ करते रहो, वो जल्द ही सुकून अदा करेगा। इन्नल्लाह माअस साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र किए हुए हो तो देखो अल्लाह पाक तो खुद कुरान पाक में कह रहे हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जब अल्लाह का साथ पा लिया है तो उसके साथ से बढ़कर और क्या चाहिए। इसलिए अपनी दवाओं के कुन होने तक थोड़ा सब्र और करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है।